नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं कैनॉट प्लेस दिल्ली। यहाँ पर आकर हमने देखा कि वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिल्ली के हैंडलूम हाट जनपद में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, और यहाँ पर जिसमें कि देश भर से 75 उत्कृष्ट हथकरघा साड़ियों को लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, जहाँ न केवल आप आकर के अपनी मनपसंद साड़ी उचित दामों पर खरीद सकते हैं, बल्कि उनको बनता हुआ भी देख सकते हैं कि उन्हें बुनकरों द्वारा कितने दिन में एक साड़ी को कितने दिन में तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आकर हमने भी देखा कि बहुत सारी मतलब देश भर से लोग आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट के लोग हैं, और वो अपनी जो साड़ी है उसका एग्जीबिशन लगा रहे हैं। और बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी, सिल्क की साड़ी थी, यहाँ पर आपको हर तरीके का सिल्क, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हैंड वोवन साड़ी है और बहुत ही सुंदर साड़ी थी। यहाँ पर चंदेरी सिल्क, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, मतलब हर तरीके का सिल्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बनारसी सिल्क साड़ी, सब तरीके का सिल्क मिल जाएगा। तो जितना भी मैं एक्सप्लोर कर पाई हूँ इस एग्जीबिशन को, इतना मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग आना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यह है एग्जीबिशन 17 जनवरी तक है, लास्ट डेट इसकी है 17 जनवरी। जो भी साड़ी लवर्स हैं एक बार इस एग्जीबिशन को ज़रूर विजिट करें, ज़रूर आएँ, यहाँ पर आपको अपनी मनपसंद साड़ी यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, सबसे बड़ी बात है कि ये हाथ से बनाई गई साड़ियाँ हैं और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन हैं, और हर तरीके का सिल्क आपको यहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। यह एग्जीबिशन की लास्ट डेट है 17 जनवरी, तो 17 जनवरी तक आप यहाँ पर आ सकते हैं। मणिपुर का है, सारा हैंडलूम का है, ये साड़ीज वगैरह हैं, शॉल हैं, सब हैंडलूम है। कोई भैया है नहीं यहाँ पर, भैया आप यहाँ पे हो? ये बिहार का है। भैया बताओगे क्या प्राइस है साड़ीज का? ये फर्स्ट वाली, अच्छा, और सेकंड? ये सेम प्राइस का, ये 9000 का है। अच्छा, ये दुपट्टे? ये स्टोल है। अच्छा, स्टोल क्या प्राइस है इसका? 800 का। अच्छा, ये भी जी। ये क्या कपड़े है ये? ये रॉ सिल्क है। ओके, रॉ सिल्क। इस शॉप पे मिल रहे थे कांता वर्क के दुपट्टे, साड़ीज और सूट्स। तो यहाँ पर जो दुपट्टे की प्राइस की स्टार्टिंग थी वो थी 1200 रुपये से स्टार्ट थे दुपट्टे, और 5000 तक के दुपट्टे थे इनके पास, और साड़ीज का प्राइस इन्होंने बताया था 10000 से स्टार्टिंग थी साड़ीज की। तो काफ़ी अच्छी साड़ीज और काफ़ी अच्छे दुपट्टे थे, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सारा हैंड वोवन था और बहुत ही अच्छा था। तो इसमें मतलब कि अलग अलग वेराइटी, अलग अलग कलर्स में बहुत ही अच्छे दुपट्टाज और साड़ी सूट बहुत अच्छे मिल रहे थे, देख लीजिए आप लोग, और आप लोग जरूर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा यहाँ पर। कांजीपुरम। क्या कॉस्ट होती है इसकी साड़ी की? 30,000। सिल्क है या कॉटन है? सिल्क। गोल्ड। कितना टाइम लग जाता है एक साड़ी बनने में? 33 दिन। 10 डेज। अच्छा, 10 डेज। 10 दिन लगते बनने में, और इसे मम्मी ऐसे पैक करके रख देती अंदर। इतना बढ़िया है यहाँ का, ये है ना, ट्यूनिंग भी बढ़िया है यहाँ की,
वाइफ अच्छी है। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पर सीपी में मेला लगा हुआ है, साड़ी वगैरह यहाँ पर मिल रही हैं, हैंडलूम साड़ीज हैं और हर स्टेट की साड़ी है यहाँ पर। ये प्योर के हैं दुपट्टे दोनों में, किस चीज में? प्योर में भी है, सेमी में, मिक्स में भी। अच्छा, प्राइस सबके अलग अलग। क्या प्राइस होगा इसका? ये 250 का। इसमें कलर दिखा दीजिए आप, 250 में। ये अच्छा लग रहा है, इसमें मजेंटा भी है। अच्छा, एक तो ये निकाल दो। तो ये कहाँ का है ये सामान, आप बताओगे कुछ? जोधपुर राजस्थान का है। अच्छा, डिफरेंट कलर है। और एक ये है, ये देखिए कलर, देखिए जो ये वाले आपने बताए सारे 250 के हैं। सब 250 के तो जी मैंने भी अपने लिए यहाँ से दो दुपट्टे पसंद कर लिए थे और दो दुपट्टे मैंने ले लिए थे। इनको आप जयपुरी दुपट्टा भी कह सकते हैं, बंदेज का दुपट्टा भी कह सकते हैं। इसको आप अपने किसी भी प्लेन सूट के साथ भी पहन सकते हैं कंट्रास्ट में। और इनका जो प्राइस था वो था 250, तो दो दुपट्टे मैंने ले लिए थे यहाँ से। ये दुपट्टे हैं, ये दुपट्टे हैं। अच्छा, प्राइस बताओगे क्या क्या है? यहाँ से बताना है, यहाँ से इसका। ये साड़ी है मेरी। अच्छा, ये साड़ी है, 3500 से स्टार्टिंग है साड़ी। अच्छा, 1250 से स्टार्टिंग। अच्छा, 1250 से स्टार्टिंग है इसकी और ये 3500 से स्टार्ट है साड़ी। कॉटन में है ये साड़ी? कॉटन में, हर एक इसके कपड़े में मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, नीचा सूट में। अच्छा भैया, कहाँ से, कहाँ का है? फुलकारी है मेरे, पंजाब फुलकारी। और ये जो है ये 1250 का, दिखाना एक दुपट्टा खोल के। अच्छा भैया, भैया मेरा चैनल है, मैं आपका ये वीडियो चैनल पे अपने डालूंगी जिससे कि लोग आए। और कितने दिन तक है भैया ये? 17 तारीख तक है। ओके भैया, सारा ये हैंडलूम का होता है ना? थैंक यू भैया। ये क्या प्राइस है? ये जो पेंटिंग्स हैं ये आपने बनाई है? हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं बैठ के, आपके लिए दिखाने के लिए बैठा हूँ काम। भैया कितनी देर में बना लेते हो, कितने दिन में? एक महीना। भैया प्राइस क्या है? हाँ जी, 10,000 रहेगा, भाड़ा 15,000। 10,000 और 15,000। भैया बहुत अच्छी बनाई। ये क्या क्या
क्या कपड़ा है ये? चंपली में कॉटन सिल्क है। हाँ जी कॉटन सिल्क, कॉटन सिल्क है ये। क्या प्राइस रहेगा? 2600 रुपए। 2600 रुपए सब सेम अलग अलग, इसका क्या प्राइस? अच्छा इसका ये भी सेम 2600। तो फैब्रिक है ये या साड़ी है? साड़ी कॉटन की। क्या प्राइस है भैया? अच्छा सिल्क चंदेरी। प्राइस अलग अलग है सबका? और ये भी साड़ी है जी? दुपट्टा है। दुपट्टा क्या प्राइस है इनका? इनका 2550। 2550 इसका 5250। अच्छा ये कितने की है? तेज बोलो भैया थोड़ा। 8050। 8050 इसका कितना प्राइस है? 2750। ये भी साड़ी है? सारी साड़ी है। प्राइस 1200 से स्टार्टिंग प्राइस। अच्छा बताओ एक बार भैया। 8000 तक, 8000 तक जाता है, 1200 से स्टार्ट हो जाता है। ओके तो ये 1200 और ये आएगा 1000। अच्छा और ये कपड़ा क्या रहेगा? ये सिल्क में है, नीचा सिल्क में है। अच्छा मसलन ढाकाई में आएगा, कॉटन ढाकाई में आएगा, कॉटन। अच्छा हैंडलूम में आएगा, जामदन में, हैंडलूम में। अच्छा और ये ब्लॉक प्रिंट में आएगा। अच्छा ये क्या है? अच्छा ये रेशम, बोलोगे आप एक बार वीडियो में? बोलो बताओ वीडियो में। नहीं मेरे को तो मालूम इसके बारे में। अच्छा अच्छा ये रेशम बनाता है कीड़ा। अच्छा अच्छा और ये मलबेरी सिल्क लिखा हुआ है इस पे। हाँ इसकी डिटेल वो भैया बता सकते हैं। अच्छा अच्छा ओके। वो मुझे नहीं मालूम। ये सिल्क वॉर्म, ये सिल्क छोड़ते हैं जान पर। ये जैकेट का क्या प्राइस है? अच्छा ये स्टॉल है। स्टॉल का क्या प्राइस है? ये 900। अच्छा गर्म होते हैं काफी? नहीं ठंडा गर्म। अच्छा जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा अच्छा सामने जो जैकेट लगी हुई है वो पर्पल? ये नो ये वाली। हाँ ये भी होंगे उसी रेंज में। अच्छा स्टोन 900 रुपए। ये 900 रुपए के हैं सारे? नहीं अलग अलग प्राइस है। अच्छा अच्छा ये वाले 900 के हैं। अच्छा अलग अलग प्राइस है सबके इनके। यहाँ पे बनती है सिल्क की ये साड़ियाँ? कितने दिन में बन जाती है भैया? ये वाला 5 से 6 दिन में बन जाए। ये कहाँ की साड़ियाँ हैं? मध्य प्रदेश चंदेरी। अच्छा क्या है ये, कौन सा सिल्क है भैया? सिल्क कॉटन रहता है। कॉटन सिल्क। प्राइस? सिल्क वाइज सिल्क भी रहता है। अच्छा प्राइस क्या है इसका? प्राइस अलग अलग रहता है इसका, 10000 रहेगा। अच्छा काम के ऊपर रहता है। बहुत सुंदर साड़ी है। और इसका? ये वाला भी शायद 10000 का ही है। सबके अलग अलग प्राइस हैं। अच्छा जैसे ये वाला बना है इस पे इसका 5000 रुपए है। अच्छा और सामने वो जो व्हाइट वाली है? व्हाइट वाला 12500 रुपए प्योर सिल्क पे रहेगा, पट्टी से। और वो मजेंटा? ये वाला 4500 रुपए। Thank you.
ये क्या है, साड़ी है ये? चंदेरी है मैम। ये साड़ी है? ये साड़ी है, कॉटन की साड़ियाँ है ये? नहीं मैम, सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन, अच्छा चंदेरी। क्या प्राइस है ये? हाँ 2000। सारी का सेम प्राइस है या अलग अलग है? अलग अलग। अच्छा, ये अदरक में 2250 की है, अलग अलग का। अच्छा, और ये ब्लैक वाली? ये ब्लैक वाली, ये सेम। अच्छा 2000 अलग अलग। ये फैब्रिक है क्या, सूट है? सूट है। अच्छा, सूट का क्या प्राइस है? 2250 मैम। ये देखिए, ये अजरक प्रिंट आएगा। ये 14,000 की बताई ना, सिल्क है ये? हाँ, प्योर बनारसी मुगा सिल्क, सब में सिल्क मार्क लगा हुआ है। अच्छा, ये ओरिजिनल प्राइस आपका 26,900 की है। अच्छा, सबसे सिल्क डिस्काउंट के बाद ये आपका 14,000 का पड़ेगा। सुंदर साड़ी है। ये आपकी 14,000 की है। ये कहाँ की है साड़ी? प्योर बनारसी रेखा, क्या बनारस की? बनारस की साड़ी है। और दूसरा कोई दिखाना, ये वाला दिखाना पर्पल, ये इसका क्या प्राइस है? ये भी मुगा सिल्क है। इसका क्या प्राइस है? ये भी आपकी 14,000 की है। 14,000, इससे कम रेंज में भी है? नहीं, 14,000 से स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग है, प्योर सिल्क है इसलिए। अच्छा, ये सब सारा 14,000 से स्टार्टिंग, 14,000 से फिर ऊपर तक है? ओके, 95,000 तक साड़ी है। कौन सी है 95,000 की? रेड वाली जो है ये। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर घूमते घूमते हमें दिखा ये फूड स्टॉल, और यहाँ पर था राजस्थान और जयपुरी था ये फूड स्टॉल। यहाँ पर राजस्थान का फूड था और जयपुर का भी था, और यहाँ पर मिल रहे थे वेज मोमोज, पनीर मोमोज, सामने लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मिल रहे थे यहाँ पर गोलगप्पे थे, पापड़ी चाट थी, दही भल्ला था, टिक्की थी, और पकौड़े, कई प्रकार के पकौड़े थे, मेथी के पकौड़े, आलू के पकौड़े, और साथ में चाय भी मिल रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर थे था मूंग दाल हलवा था, राजस्थानी थाली थी, और कचौड़ी थी, कचौड़ी और सब्जी, दाल की जो कचौड़ियाँ होती है ना, वो कचौड़ी थी। और काफ़ी कुछ था वैरायटी में यहाँ पर, काफ़ी कुछ मिल रहा था। तो घूमते, अगर आप यहाँ पर घूमने आए तो यहाँ का फूड भी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब आगे। पास्ता, अच्छा ब्राउन टॉप, क्या प्राइस है नूडल्स का? क्या प्राइस है ये? 98। 3 लोगों के लिए सर्विंग है। अच्छा, इसमें टेस्ट मेकर ऑलरेडी है। अच्छा, और इसमें मल्टी मिलेट है, ऐसे ही हमारे पास इंडिविजुअल मिल्स का भी मिलता है। एंड ये आपकी पूरी फैमिली के लिए एक डिनर, परफेक्ट डिनर एंड स्नैकिंग के लिए बन जाएगा, बहुत ईजी। ऐसे ही हमारे पास पास्ता भी है, प्लस हमारे पास पोहे हैं। सब लोगों को होता है कि कैल्शियम इनटेक कैसे किया जाए, तो उसके लिए रागी इज द बेस्ट सोर्स फॉर कैल्शियम इन ग्रेन्स, प्लांट बेस्ड कैल्शियम इसके अंदर नॉर्मली अगर देखा जाए तो 344 ग्राम होता है पर 100 ग्राम, सो इट इज़ द बेस्ट सोर्स। किसी की हड्डी भी टूट जाए एंड उसको अगर ठीक करना है तो रागी इज द बेस्ट ऑप्शन नेचुरली ठीक करने के। रागी का आटा, रागी की रोटी बना के खाते हैं, राइट। एंड फिर रोटी मगर सबको होता है कि ताकतवर होता है ना, हाँ, रोटी सबसे नहीं खाई जाती, तो हम लोगों ने उसी को ही पोहे में कर दिया, उसी को ही नूडल्स में, उसी को ही पास्ता में समझ लिया। सही है। ये इसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस है, सारे प्राइजेस यहाँ है। अच्छा, दिस इज फॉर 62 रुपीज। अच्छा, एक बार चलो ठीक है, एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको, आप अंदर आ सकते हैं। बना ली मैंने, पास्ता, पोहा, और क्या क्या है वैरायटी, पापड़ वगैरह भी है क्या? इस तरीके के सेवई है। अच्छा, सेवई, सेवई है, फिर नमकीन वगैरह भी है। नमकीन है। अच्छा, रोस्टेड में भी है, रोस्टेड पफ है। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे जो चीजें नहीं है, दाल वगैरह भी है, मिक्सेस, हाँ, मिलेट की दाल है, ढोकला, इडली मिक्स है, चीला मिक्स है, ये सारे।
खिचड़ी मिक्स है, इवन रागी चॉकलेट्स हैं, शुगर चॉकलेट्स, रागी चॉकलेट्स बनाई है। अच्छा, कि मिलेट्स के क्या क्या बनाया है, तो लोग बोलते हैं कि क्या मिलेट से बन सकता है, तो हमने बोला ब्रेकफास्ट में कुछ भी आप बनाना चाहो वो पॉसिबल है, लंच में भी पॉसिबल है, खिचड़ी रोटी सब्जी सब, मतलब हेल्दी कैसे बनाया जा सकता है अपने, एंड ग्लूटेन फ्री बन सकता है इजीली। इवन पकौड़े आप बनाते हो अगर एयर फ्रायर में आप ज्वार के या बाजरे के बनाएंगे वो बहुत टेस्टी निकलते हैं। इसी तरह से वहाँ पर ये रंगाली बिहू मनाया जाता है, फ्रेंड्स के घर में जाते हैं, रिलेटिव्स के घर में उनको गिफ्ट देते हैं, और फिर परिवार के सारे लोग इसी तरह पारंपरिक ड्रेस को पहन के, अपना ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के इस डांस को करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेमंती जी को कहूँगी थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपने असम के बारे में। हमारे राष्ट्रीय हस्तकला विकास निगम वस्त्र मंत्रालय की ओर से ये हमारा सेकंड फेज शुरू हुआ है एग्जीबिशन का, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार हमारे कलाकारों के लिए बहुत जोर से तालियां बजा दीजिए। और प्लीज को मैं कहूँगी थोड़ा अपना परिचय देंगी। सबको नमस्ते, मैं असम से हूँ, आप लोग असम तेजपुर, मेरा ग्रुप का नाम है तेजपुर या कल्चर एंड सोशल वर्क। हम लोग का मतलब बैसाख में होता है, शुरू होता है 14 अप्रैल से लेकर मई तक, हम लोग का उधर कंपटीशन होता है, ये हर जगह में हर गांव में फेस्टिवल होता है, ये कंपटीशन हम लॉन्ग फैमिली करते हो, किसी रिश्तेदार को गिफ्ट करते हो, खाना पीना इस महीना में। असम में 3 बिहू होता है, बैसाखी मार्च कार्तिक महीना में, मतलब अप्रैल जनवरी और नवंबर में, ये मेन बिहू होता है हम लोग का। असम में 3 महीना चलता है, अप्रैल से शुरू होकर मई लास्ट तक होता रहता है, ये कंपटीशन भी हर जगह फेस्टिवल होता रहता है, रंगाली बिहू। Yes.